हेलो दोस्तों, आपको हमारा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर से एक नया छोटी सी वीडियो लेकर आ गए हैं आपके लिए, जो कि आज दोस्तों आटा में काला जीरा पहले डाल दिया जा रहा है। काला जीरा और जुआनी, ये देखिए जुआनी डाला जा रहा है अभी। सोडा, ये दोस्तों थोड़ा सोडा लिया है हम आटा के साथ। देखिए, हम तीन प्रकार आइटम डाल दिए हैं आटा में, सोडा और काला जीरा और क्या नमक डाले। नमक डालो। काला जीरा, जुआनी, सोडा आटा में हम मिला के उसको पानी में फिर सानेंगे, है ना? आटा को साना जाएगा, फिर मिलाया जाएगा उसको। नमक थोड़ा डाल दिए स्वाद अनुसार। ये दोस्तों आलू उबाल रहे हैं, जो उसका ये भरता बनाएंगे आलू का। लिट्टी चोखा, चोखा बनाएगा ना आलू का, चोखा बनाएगा। बोलो, सानो 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 और रगड़ो उसको। ये देखिए दोस्तों, आज रविंद्र जी को सजा मिल रहा है। ये देखिए दोस्तों, रविंद्र जी अभी धनिया पत्ता काट रहे हैं, वो प्याज लहसुन आदि मर्चा सब काट के रखे हैं, उसमें सत्तू को मिलाया जाएगा। देखिए दोस्तों, ये प्याज लहसुन आदि धनिया पत्ता हरी मिर्च, ये देखिए दोस्तों धनिया पत्ता रविंद्र जी लाए हैं। देखिए कौन सा धनिया पत्ता है कि क्या है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए तो आप, ये पीला पीला हो गया है। ये देखिए दोस्तों, सत्तू का मसाला डाला जाएगा अभी। ये सत्तुआ ले लिया है रविंद्र जी थाली में। रविंद्र जी सत्तुआ को हाथ दिखाए, सत्तुआ कौन है? बस ये सत्तू है, देख लीजिए। और उसका मसाला देखिए, वो लेफ्ट साइड में रखे हैं उनका। ये देखिए दोस्तों, नमक डाला गया स्वाद अनुसार थोड़ा सा ही, ताकि हम तो अभी आटा में भी डाल दिया है नमक, तो इसलिए सत्तू में थोड़ा सा डाल दिया जा रहा है, नहीं तो ज़्यादा डाल दीजिएगा तो फिर नमकीन हो जाएगा। लहसुन डालिए, अदरक, देखिए दोस्तों सब मिलाया जा रहा है सत्तू में। मिर्च मिला गया, प्याज भी डाल दिया गया, धनिया पत्ता, धनिया पत्ता डाल दिए, पानी थोड़ा दे दिए। अच्छा, ये देखिए दोस्तों, हल्का पानी भी दे देना पड़ता है, इसमें सत्तू में, ताकि मिक्स हो जाए अच्छे से थोड़ा। और कितना टाइम लगेगा रविंद्र जी इसको मिलाने में? हो गया। अच्छा, ये देखिए दोस्तों, हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं गैस पे, अभी इसमें तेल गरम करेंगे। अभी लिट्टी को तेल गरम करके अभी लिट्टी को इसमें छोड़ दिया जाएगा। आप देखते रहिए आगे का प्रोसेस, जो भी है वीडियो में बने रहिए हमारे साथ।
ये देखिए दोस्तों, अभी लिट्टी बनाया जा रहा है, सत्तू को उसमें भरा जा रहा है, जो आटा हम लोग सान के रखे थे। बन गया तो कितना डो बनेगा रविंदर जी? ये जितना आटा है 10 पंडा दोस्तों, करंट चला गया इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपको, करंट भाग गया। दोस्तों अभी हमारा तेल गर्म हो चुका है, अभी इसमें लिट्टी को डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, लिट्टी बन के रेडी हो गए। रविंदर जी हमारा लिट्टी बना रहे हैं, तो दोस्तों लाइक कीजिए रविंदर जी को, कमेंट कीजिए कैसे लिट्टी बना रहे हैं, कमेंट करके बताइए, क्योंकि वो पहले ही लिट्टी चिकन भी बना चुके हैं। लिट्टी चिकन आप लोग जाइए देखिए, लिट्टी चिकन बनाया हुआ है मेरे चैनल पे, जाइए लिट्टी चिकन भी आप सीख जाएंगे, लिट्टी चिकन भी बना के खाइए, बहुत मस्त बना रहे हैं रविंदर जी। हाँ रविंदर जी बोलिए, रविंदर जी चैनल को लाइक करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर। अच्छा तो दोस्तों अभी डालेंगे ये लिट्टी, ये देखिए तो दोस्तों अभी लिट्टी लाल हो चुकी है, देखिए ये लाल हो गया है, अभी इसको निकालेंगे, देखिए पूरा लाल हो गया है। मेरा रविंदर जी लिट्टी अभी एक दो ठो है बनने को। तो दोस्तों इसको थोड़ा कम कम डालिए, दो चार ठो करके ऐसे डालने से ये फटता नहीं है, नहीं तो ज़्यादा डाल देंगे तो ये फट जाएगा, बीच में से फट के जितना भी मटेरियल है उसके अंदर सब बाहर आ जाएगा। तो थोड़ा सावधानी से इसको ऐसे तेल में फ्राई करें। ये क्या हो रहा है, निकल रहा है, लाल हो गया, अभी निकाल रहे हैं। रविंदर जी खाइए, हो गया? हाँ हुआ। तो दोस्तों ये लास्ट हो गया, ये देखिए तो अभी इतना सारा बन गया है, अभी ये मीठा वाला लिट्टी बना रहे हैं। सर अभी तक मीठा वाला लिट्टी बन रहा है ना, तो आज हम खाएंगे लिट्टी चोखा। तो दोस्तों रविंदर जी कुछ दूसरा बनाने वाला है, खजूर बनाने वाला है। खजूर कैसे बनता है रविंदर जी बोलिए? एक आटा सोडा और चीनी डालना। अच्छा, आटा सोडा और चीनी डाल के खजूर बनेगा। तो देखिए दोस्तों खजूर के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है, इसमें खजूर बनेगा। आटा चीनी उसमें उसी में मिलाया हुआ क्या? चीनी उसी में मिलाया हुआ है, थोड़ा ज़्यादा चीनी रखिएगा जैसे मीठा है, ज़्यादा मीठा है। ये देखिए दोस्तों खजूर बन रहा है,
इतना पतला बनेगा मतलब वो लीटी से थोड़ा पतला है ना, लीटी मोटा रहता है। अच्छा खजूर, ये देखिए दोस्तों ऐसे खाली आटा चीनी बस और कुछ नहीं। तो देखिए दोस्तों ऐसे ही बनाइए घर पे, आपको भी मज़ा आएगा बनाने में, बनाइए। ये देखिए दोस्तों खजूर अभी डाला जा रहा है तेल में, गैस कम कीजिए थोड़ा, सुन रहे हैं ये खजूर बन गया। ये देखिए दोस्तों खजूर, ये सिर्फ मीठा लगेगा। ये कहाँ से सीखे खजूर और लीटी? अच्छा याद में छठ पूजा में बन जाए ना। हाँ हाँ ये लीटी बन चुका है दोस्तों, ये लीटी बन गया है। ये देखिए दोस्तों बैगन भी जलाया जा रहा है, जो उबला हुआ आलू हम रखे हैं उसमें मिला के हम उसको चोखा बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों उबला हुआ आलू, ये प्याज रखे हैं, धनिया पत्ता और थोड़ा लहसुन आदि भी रखे हैं। देखिए बैगन का छिलका निकला जा रहा है, ये रविंदर जी बैगन का छिलका निकाल रहे हैं। देखो रविंदर जी बैगन का छिलका निकालते रहते हैं। ये दोस्तों प्याज डाल दिए हैं आलू बैगन में, और क्या डाले रविंद्र जी? धनिया पत्ता भी है। पूरा प्याज डाल देंगे, इतना ही रहेगा, हो जाएगा प्याज क्यों डालते हैं। ले लीजिए धनिया पत्ता, नमक स्वाद अनुसार, नमक सरसों तेल, नमक भी डाल दिए हैं दोस्तों इसमें। अब देख सकते हैं चोखा कैसे बन गया। रेडी हो गया? तो दोस्तों चोखा अभी बन के रेडी हो गया है, अभी हम खाना खाएंगे ना, अभी हम लिट्टी और चोखा खाएंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसा लग रहा है। ये देखिए दोस्तों खजूर, चीनी और आटा में एक खजूर है, देख सकते हैं। कैसा टेस्ट है? बढ़िया है, मस्त बना दो लिट्टी और चोखा। मस्त है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और लिट्टी चोखा बना कैसे बना तो कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।